डिस्ट्रिक्ट के लिए कि उसका नाम ही सोचिए, ऋषि और काशी। उस तालाब को काशी का महत्व था क्योंकि वरोरा के आसपास इर्द-गिर्द इतनी कोई बड़ी नदियां नहीं है कि वहां जाके हम अपने डेथ होने के बाद की कर्मकांड वहां करें। तो ये उसको दर्जा था इसका। और वहां पे जितने लोग कर्मकांड के लिए जाते थे तो वहां पे जो पत्थर थे उसमें छोटे छोटे गुफाओं का निर्माण करते थे, उसमें चौकोर शिवलिंग बना देते थे। लेकिन ये जो थी, ये वाकाटक पीरियड, जो वाकाटक वंश है हमारे यहाँ, उस पीरियड का है जिसके कुल देवत केवल नरसिंह, यानी हिरण्यकश्यप को फाड़ते वाला नरसिंह नहीं, केवल नरसिंह। और नरसिंह को हम विष्णु का रूप मानते हैं। नेक्स्ट, ये वही सब गुफाएं हैं छोटी छोटी पत्थर पे, ये इसको हम स्मृति गुफाएं बोलते हैं। नेक्स्ट, उन्होंने भगवान गणेश को अंदर उसकी मूर्ति स्थापित कर दिया, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो सैंड स्टोन है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। नेक्स्ट, बीच में वो चौकोर शिवलिंग है एक तरफ। नेक्स्ट, ये 2009 की फोटो है, मैं आगे भी फोटो अच्छी वाली दिखाऊंगा आपको। देखिए इतना सुंदर नरसिंह की प्रतिमा हमारे विदर्भ में, इतनी अलंकृत, रामटेक में भी है इसी सेम पीरियड की, और वो 6-6, 7-7 फुट की है, लेकिन वो अलंकृत नहीं है। इसमें आप देखेंगे तो उसमें कितना सुंदर अलंकृत किया है। नेक्स्ट, ये अभी उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर उन्होंने खड़े किया है, बना के बहुत अच्छे से, यानी अब वो मूर्ति सेफ हो गई। नेक्स्ट, एक मिनट, ये देखिए इतनी सुंदर प्रतिमा की अगर उनको विष्णु का रूप अगर दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, तो आप बिल्कुल गौर से देखिएगा, शंख चक्र ये गदा। तो उनको अगर नरसिंह को अगर हमको विष्णु का रूप अगर दिखाना है तो जब तक हम उनके हाथ में शस्त्र नहीं देंगे, मैं पहले बोला ना देवी कोई भी हो वो सवार किस पे है उससे हम पता करते हैं कि ये कौन सी देवी का है। तो वैसे जितने भी हमारे ईश्वर है हम उनके अस्त्र शस्त्र से, उनके वाहन से हम पता कर सकते हैं कि वो। तो इतनी सुंदर प्रतिमा हमारे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में वाकाटक पीरियड की ये निशानी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मैंने एक किताब एडिट की थी, उसका नाम था निधि, वो इंडियन कॉइन सोसाइटी का जर्नल था। तो मैंने खासकर ये फोटो उसके फ्रंट पेज पे मैंने इसको डलवाया था, और मैंने जिस दिन उसको रिलीज करना था एक दिन पहले गया, पहले वहां पे चढ़ा दिया, उसके बाद में फिर उसको रिलीज किया, क्योंकि ये जो जर्नल है ये इंटरनेशनल लेवल का है, तो ये पूरे दुनिया में गया होगा न्यूमिस्मेटिक फील्ड में। तो मैंने सोचा कि इतना सुंदर फिगर अगर जाएगा तो लोग पूछेंगे। और उसके बगल में मैंने ये मूलक चांदा का कॉइन डाला था जिसपे लिखा है मूलक चांदा। नेक्स्ट, ये सूर्य की प्रतिमा है वहीं पर उनके बगल में। नेक्स्ट, बहुत सुंदर प्रतिमा है ये नग्न भैरव की, आप देख सकते हैं हाथ में डमरू त्रिशूल, नग्न है बिल्कुल वो। तो ये भी उसी म्यूरल वहीं पर है जहां पर नरसिंह है, फिर सूर्य देव है, फिर ये नग्न भैरव है। नेक्स्ट, 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 वाकाटक पीरियड के बाद में हमारे चंद्रपुर में जो ज्यादा सबसे अच्छा अस्तित्व मिलता है वो नागवंशियों का मिलता है, और नागवंशियों का अस्तित्व इस मानिकगढ़ किले से शुरुआत होती है उनकी। ये मानिकगढ़ किले के पीछे की साइट है, 2007 की फोटो है ये, लेकिन बाद में 2014 में इसको रिपेयर किए थे, लेकिन वो रिपेयर इतना भद्दा कर दिया उन्होंने कि देखिए एक बात फिर से बताऊं, आपको याद होगा कि अचलेश्वर मंदिर की वॉल टूट गई थी, वो वॉल बनाने में हम लोगों को करीबन 10-12 साल लग गए, लेकिन उसमें कहीं सीमेंट का हमने यूज नहीं करने दिया। वॉल, फोर्ट वॉल का जो भी मटेरियल, जो भी उस मसाले से बना है, उसी मसाले से अगर हम बनाएंगे तो उसको ओरिजिनल रहेगा और वो सालों तक टिकेगा। लेकिन स्टेट आर्कियोलॉजी ने, अब वहां कोई देखने वाले थे नहीं, तो उन्होंने उसको पूरा सीमेंटिंग द नेशन जिसको बोलते हैं कि, तो उन्होंने पूरा वो सीमेंट का बना के उसका जो ओरिजिनल लुक था खत्म हो गया। और ओरिजिनल लुक कैसा था मैं इसका, नेक्स्ट, ये देखिए, इसमें सबसे नुकसान इस बात का हुआ कि मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा प्रवीण, थोड़ा सा एरो ऊपर, बस
वो एक फिगर था वहां पे ऊपर। हाँ, वो फिगर ऐसा था कि इस किले पर पहले विजयनगर साम्राज्य का राज था, उसके बाद नागवंशियों का आया होगा, क्योंकि वहां पर वो ऊपर में एक गरुड़ है जिसको दो मुंह है और उन्होंने हाथी को होल्ड करके रखा है, और ये विजयनगर के राज्य परिवार का राज्य चिन्ह था, उसको बोलते हैं गंड बेरुंड। गंड मीन्स गरुड़, बेरुंड मीन्स दो मुंह वाला। लेकिन हुआ क्या, जब इसको उन्होंने पूरा रिपेयर किया और नागवंशी लोगों ने भी आए, नागवंशी लोगों ने अपना एम्बलम यहां लगा दिया, गोंड लोगों ने इसको किला, उन्होंने अपना एम्बलम ऊपर लगा दिया, वो उसको नष्ट नहीं करते थे, वो ये बताना चाहते थे कि हमने सत्ता किससे ली, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। लेकिन हुआ क्या कि जब वो रिपेयर हुआ तो वो सब उन्होंने, अब अज्ञानी लोगों ने किया होगा, तो उसको उन्होंने ब्रेक करके साफ करके पूरा सीमेंट लगा दिया। वो पीस है कहाँ पता नहीं, अगर मैं ये फोटो अगर दिखाऊंगा तो ही पता चलेगा कि ये किला स्टार्टिंग में विजयनगर के पास था, उसके बाद से नागवंश के पास में गोंड राजाओं ने यहां से सत्ता स्थापित करके चंद्रपुर में राज किया। नेक्स्ट, ये नागवंशी का लोगो है, ये आपको बीरशाह के समाधि पे, ये देखिए, ये मैं जिसकी बात कर रहा था जो ब्रेक कर दिया इस उन्होंने, एक ये गरुड़ है, ये गरुड़ है, ये दो मुंह है और मुंह में उन्होंने हाथी पकड़ के रखा है, वो ये दर्शाते थे कि हमारे जो गरुड़ है वो भी हाथी को, यानी हमारे पंछी भी इतने कमजोर नहीं है, वो हाथी को होल्ड कर सकते, एक शौर्यता का प्रतीक है। नेक्स्ट, ये मानिकगढ़ किले का बुर्ज है, यानी इसको हम वॉच टावर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये एक ही फोर्ट है जिसको हम गिरी दुर्ग के नाम से जानते हैं, बाकी सब हमारे जितने फोर्ट है वो सब ग्राउंड लेवल। ये उसका पीछे का पोर्शन है, लेकिन अभी ये काफी रिपेयर हो गया। मैं डेट इसीलिए बताता हूं कि ये सब पुरानी फोटो है, अभी कैसे बन सकता है, वो रिपेयर भी हुआ होगा। नेक्स्ट, ये वहां पे एक विष्णु मंदिर है, उसको भी काफी रिपेयर करके हम लोगों ने इसको स्टेट गवर्नमेंट से बनवाया है, अभी किस कंडीशन में मैं एक दो साल से गया नहीं हूं यहां पे। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये है हमारे भटाड़ा का, हमारे जिले का मुकुट बोल सकते हैं मंदिरों का, इतना बड़ा मंदिर पूरे विदर्भ में है ही नहीं, इसका विशालता देखिए श्री पापिस की, और इसके अंदर का जो शिवलिंग है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, ये शिवलिंग है, और ये शिवलिंग की खासियत ये है कि ये एक ही पत्थर से बना हुआ है, और मैंने आपको पिछले बार भी बताया कि ये शिवलिंग का जो ये वारी मार्ग है ये वॉल को टच है, और वॉल को टच होने के कारण हमारे हिंदू धर्म में किसी भी शिवलिंग की प्रदक्षिणा नहीं वर्जित है, तो उन्होंने वारी मार्ग को डायरेक्ट अगर वॉल में लगा दिया तो हम उसको लांग के नहीं जा सकते ना, तो शास्त्र के हिसाब से जो सबसे परफेक्ट मंदिर है यही है। इस पे बिजली गिरने के कारण ऊपर का भाग टूट गया था और बाद में फिर से रिपेयर हुआ, लेकिन बाद में वो लोग कलश और अमलक नहीं लगा पाए, इसीलिए आज उसको हम भोंडा मंदिर के नाम से जानते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि शास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा और इतना विशाल मंदिर है, भव्य मंदिर जिसको बोल सकते हैं, वो भटाड़ा में है, लेकिन उसमें ये उसका साइड का देखिए कि आप उसकी विशालता देखिए। मैं फिर से बताऊं कि ये कलर और ये कलर में फर्क देखिए दोनों में, ये बाद का है, जब गिर गया था उसके बाद उन्होंने इसको ही बना के लगा दिया, और ओरिजिनल ये यहां तक का ही। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि जिस मंदिर पे कलश नहीं होता है ना, कलश और अमलक, उसकी पूजा नहीं की जाती है, उसको हम अधूरा मानते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि अगर आप किसी मंदिर में अगर ना भी गए तो चलेगा, आप बाहर से कलश दर्शन कर लीजिए, आपको वही मिलेगा जो आपको दर्शन करके मिलेगा, लेकिन इसमें वो चीज थी और उसको हमने खोजा। देखिए गौर से देखिएगा, ये देखिए ये कलश और ये अमलक यहां उन्होंने बाद में यहां लगा के रख दिया, बस लगा के रख दिया, एक्चुअल में वो यहां पर होना चाहिए था कहीं पर। तो ये हमारे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा विशाल और एकदम शास्त्र के हिसाब से बना हुआ, और ये मंदिर है परमार काल का। नेक्स्ट नेक्स्ट,
ये उसके पीछे का पोर्शन है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये फोटो आपको दिखाना मेरे को बहुत जरूरी था। आप सोचिए कि ये क्या है। ये है चंद्रपुर जिले में एकमात्र गज लक्ष्मी द्वार। यहां पे थोड़ा नीचे करो इसको पूरा, बस बस, यहां लक्ष्मी बैठी है, यहां दो गज है उनके ऊपर वो अभिषेक कर रहे हैं। ये जिला परिषद ने देखिए गेट बनाया था और ये हमारा गेट है, यानी उनकी क्वालिटी देखिए और अपनी क्वालिटी देखिए। जानबूझ के उस एंगल से हमने इसको फोटो लिया, लेकिन इसका मैं महत्व बताऊंगा कि गज लक्ष्मी द्वार कहां होता है। जहां प्रॉस्पेरिटी रहती है, जहां उन्नति रहती है, जहां विकास रहता है। हम कोई अच्छे जब सामान खरीदते हैं तो हमारा हम देखते हैं ना कि एग मार्क लगा है कि नहीं, इस पे अच्छा ट्रेडमार्क लगा है कि नहीं। तो ये गज लक्ष्मी द्वार वहां वहीं बनाया जाता था जहां उन्नत हो, जहां प्रॉस्पेरिटी हो। तो ये भटाड़ा